आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। बीकानेर से रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार शर्मा के श्री डूंगरगढ़ आगमन पर श्री डूंगरगढ़ की अनेकों संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ता ने साफा और शाल उड़ाकर स्वागत किया। श्री डूंगरगढ़ आने पर रेलवे सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष तोलाराम मारू, मंत्री विनोद गिरी गुस्साए तथा अन्य संस्थाओं ने ज्ञापन दिया तथा ज्ञापन में कई मांगे रखी। रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष तोलाराम मारू और मंत्री विनोद गिरी ने बताया कि ऐसे अधिकारी पर हमें गर्व है जिनके कारण रेलवे सेवा का काफी विस्तार किया गया है। रेलवे स्टेशन मास्टर राजेंद्र सोनी द्वारा यात्रियों की सदा सहायता करने पर आभार व्यक्त किया। रेलवे के अधिकारी विजय कुमार शर्मा एवं राजीव श्रीवास्तव ने हर मांग को ध्यानपूर्वक सुनकर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान हिंदुस्तान में रिपोर्ट है, बिना जंक्शन आपके प्रयास जो है इसके लिए आपका। दूसरी बात, इनके कार्यकाल में ही श्री डूंगरी ने होकर के दो ट्रेन चली है, उसके बीच जो भी श्री डूंगरी की जनता और रेल संघ समिति को कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेल संघ समिति का अध्यक्ष को आराम मारू, मंत्री विनोद, हमारे श्री डूंगरी की मुख्यमानी है कि प्लेटफॉर्म चाहे उसको उठाया जाए दिया गई, या प्रथम श्रेणी का या निम्न श्रेणी का कोई है, इसकी लंबाई बढ़ाई जाए। श्री डूंगर के पूर्व में जो रास्ता है वहाँ और भी बढ़ाया जाए, और पश्चिम में जो आरी वे बनी है उसका तकनीश कार्य भी ये हो चुका है आपके प्रयास से। उसके बाद में बीकानेर से दिल्ली जाते हैं और दूसरे दिन आना पड़ता है प्रातःकाल जयपुर इंटरसिटी, जयपुर इंटरसिटी के लिए, जयपुर और बीकानेर दिल्ली के लिए इंटरसिटी। पहले हमारे यहाँ से जयपुर ट्रेन डेली चलती थी, लेकिन छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन होने के बाद में